हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का 5th चैप्टर प्रिंसेस सितंबर। जैसा कि लेसन के नाम से पता चल रहा है कि एक राजकुमारी सितंबर के बारे में है पूरी स्टोरी। तो देखिए चैप्टर। प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ ए पैरेट इन अ गोल्डन केज ऑन हर फादर बर्थडे। कि प्रिंसेस सितंबर जो हैं उन्हें अपनी बाकी बहनों की तरह अपने फादर के बर्थडे पर गिफ्ट मिलता था, और वो गिफ्ट क्या होता था, सोने के पिंजरे में एक पैरेट, एक तोता। द पैरेट डाइज, पैरेट अब मर जाता है, एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। उस पैरेट के मर जाने के बाद उसकी जगह को कौन आ जाता है, एक सिंगिंग बर्ड, गाने वाला पक्षी। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए केज। अब प्रिंसेस खुश होकर अपनी बहनों को वो अपना पेट दिखाती हैं, सिंगिंग बर्ड, और बहनें एडवाइज करती हैं, सलाह देती हैं कि वो उसे एक केज में रखे, पिंजरे में रखे। देखिए स्टोरी क्या है इस चैप्टर की। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। अब किस राज्य के राजा और रानी की बात हो रही है, सियाम के, कि उनकी कई सारी बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। और रानी ने कहा कि वो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाती है इतने सारे नामों को याद रखने में। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी फेबररी मार्च दो ऑफ कोर्स इन सियामीज टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर। अब राजा ने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपनी शामीज लैंग्वेज में अपनी बेटियों को जनवरी फरवरी यानी कि महीनों के नाम पर बुलाएगा, और सबसे छोटी जो यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी जो बेटी थी उसका नाम रखा गया सेप्टेम्बर, यानी कि सबसे छोटी जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उसको सेप्टेम्बर कहकर पुकारा जाने लगा। द किंग ऑफ श्याम हैड ए पिक्यूलियर हैबिट। अब जो राजा थे श्याम के राज्य के, तो उनकी एक बहुत ही अजीब सी आदत थी, पिक्यूलियर मतलब विचित्र, अजीब सी आदत, हैबिट मतलब आदत। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। कि अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव करने के बजाय यानी कि लेने के बजाय वो गिफ्ट देते थे अपनी बेटियों को। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी का मतलब है कि कुछ ना मिल पाने के कारण कि एज ए गिफ्ट वो अपनी बेटी को क्या दें, कोई चीज़ ना मिलने पर, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन केज। तो उन्होंने अपनी प्रत्येक राजकुमारियों को, प्रत्येक बेटियों को क्या दिया, प्रत्येक बेटी को क्या दिया, एक ग्रीन कलर का पैरेट दिया सोने के पिंजरे में। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स। जो राजकुमारियाँ थी अपने तोतों को देखकर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही थी, गर्व था उन्हें अपने तोतों पर। दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक, और उन्हें बोलना सिखाने के लिए वो हर रोज उनके साथ एक घंटा बिताती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से गुड गॉड सेव द किंग, एंड सम ऑफ देम कुड से प्रीटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। ओरिएंटल होता है पूर्वी जो भाषाएं थी, 7 लैंग्वेजेस थी, उनमें उन्होंने प्रीटी पोली और गॉड सेव द किंग, भगवान जो हैं राजा को सलामत रखे, सुरक्षित रखे, ये सब बोलना उन पैरेट्स ने सीख लिया था। बट वन डे when the princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. एक दिन जब राजकुमारी September अपने तोते को सुबह good morning बोलने के लिए गई, तो उसने उसे सोने के पिंजरे की का जो बॉटम था, तल था, उस पर मरा हुआ पाया। She burst into a flood of tears. अब वो फूट फूट कर रोने लगी। बर्स्ट इन टू फ्लड्स ऑफ टीयर्स का मतलब है फूट फूट कर रोना। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर, और जो उसकी सेविकाएँ थी
मेट्स थी, उनकी बातों से भी उसे कोई कंफर्ट नहीं मिला, कोई सांत्वना नहीं मिली। शी क्राइड सो मच दैट द मेट्स ऑफ ऑनर, नॉट नोइंग वट टू डू, टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस, दैट द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर। सपर होता है डिनर, रात का जो भोजन होता है उसको बोलते हैं सपर। सुपर नहीं है ये, सपर है। कहते हैं वो इतना जोर से रोई कि उसकी जो मेड्स थी वो उन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, व्हाट टू डू मतलब क्या करें। और उन्होंने क्या किया, जाकर सारी बात जो है वो महारानी को रानी को बताई, और रानी ने कहा कि ये सब क्या है, स्टफ है, व्यर्थ है, नॉनसेंस, बकवास है, और इसलिए जल्दी से जल्दी वो क्या करें, राजकुमारी को बिस्तर पर लिटा दें और उसे बिना रात का भोजन दिए हुए, कि बिना रात का कोई भोजन जो है किए हुए उसे सिर्फ सुला दे। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ। अब क्योंकि जो मेड्स थी उन्होंने क्या करना था, उन्होंने भी एक पार्टी में जाना था, और उस पार्टी में जाने की वजह से जितना जल्दी हो सका उन्होंने सितंबर को बिस्तर पर लिटा दिया और उसे उसके हाल पर छोड़ कर चली गई। और प्रिंसेस सितंबर क्या कर रही थी, एंड व्हाई शी ले इन हर बेड, जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी प्रिंसेस, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रेदर हंग्री, के वो रो भी रही थी और उसे भूख भी लग रही थी, हंग्री मतलब भूखा। शी saw a लिटल बर्ड hop into हर रूम, और उसी बीच उसने क्या देखा, अपने कमरे में एक छोटे से पक्षी को hop, hop होता है कूदना, कूदते हुए देखा। शी wiped हर टीयर्स एंड सेट अप, वाइप का मतलब होता है पोंछना, उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बैठ गई। देन द लिटल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही सेंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट। तब उस छोटे से पक्षी ने गाना शुरू कर दिया और उसने राजा के गार्डन में बनी हुई झील के बारे में गाना शुरू किया, लेक मतलब झील। और उसने क्या किया, विलो ट्रीज दैट लुक्ड देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, और जो पेड़ थे, विलो विलो होते सरपत, सरपत के जो पेड़ थे उनके बारे में, जो कि खुद को पानी में खड़े हुए देख रहे थे, यानी के जो विलो ट्रीज थे वो पानी में खड़े हुए थे, लुक्ड एट देमसेल्व्स मतलब अपने आप को देखना, एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट। और सुनहरी गोल्ड फिश के बारे में, गोल्ड फिश मतलब सुनहरी मछली, मछलियों को जो उसकी टहनियों के बीच से फिसलती हुई एक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब होती थी, के बारे में गाना गाया, कि पानी में कोई भी चीज़ अगर देखते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जो है, उसकी जो परछाई है वो बन जाती है। तो कहते हैं उन गोल्ड फिश की जो रिफ्लेक्शन थी या पेड़ों की जो रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रही थी, उन सबको देखते हुए पक्षी ने गाने गाए। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had had no supper. कहते जब उसका गाना पूरा हो गया तो राजकुमारी अब रो नहीं रही थी और अब वो ये भी भूल गई थी कि उसने रात का जो भोजन है वो भी नहीं किया। That was a very nice song, she said. उसने कहा कि ये बहुत ही सुंदर गीत था, अच्छा गाना था,
उसने कहा, प्रिंसेस सितंबर ने। द लिटल बर्ड गेव हर ए बो। बो का मतलब होता है झुकना, प्रणाम करना। छोटे पक्षी ने उसे प्रणाम किया। वुड यू केयर टू हैव मी इन ए प्लेस ऑफ योर पैरेट, क्या आप अपने तोते की जगह मुझे रखना पसंद करोगी, सेड द लिटल बर्ड। अब छोटे पक्षी ने प्रिंसेस सितंबर से कहा, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस। कहता है ये सच है कि मैं देखने में इतना सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मधुर है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट। अब डिलाइट होता है खुशी से, उसने ताली बजाई प्रिंसेस सितंबर ने। एंड देन द लिटल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सेंग हर टू स्लीप। और जो छोटा पक्षी था उसके बिस्तर के दूसरे सिरे पर कूदता हुआ आया और गीत गाकर उसने जो प्रिंसेस सितंबर थी उसको सुला दिया। वेन शी अवोक नेक्स्ट डे, जब अगली सुबह वो जागी, अवोक होता है जागना, द लिटल बर्ड वॉज स्टिल देयर, छोटा पक्षी अभी भी वहीं था। एंड एज शी ओपन्ड हर आइज ही सैड गुड मॉर्निंग, और जैसे ही उसने उसकी अपनी आंखें खोली उसने कहा गुड मॉर्निंग, पक्षी ने कहा गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, और जो सेविकाएं थी राजकुमारी की वो उसके लिए नाश्ता लेकर आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज माथ इन हर सॉसर, उसने उसके हाथ से चावल उठाकर खाए और उसने उसकी जो सॉसर थी प्लेट उसमें ही उसने स्नान भी किया, नहाया भी वो। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट। और फिर उसने क्या किया, खाना खाने के बाद नहाने के बाद दोबारा से सुंदर गीत गाया और राजकुमारी की जो मेड्स थी सेविकाएं थी वो भी हैरान रह गई क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना सुंदर गीत नहीं सुना था, इतना मधुर गीत नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सितंबर जो हैं वो भी काफ़ी गर्वित और खुश महसूस कर रही थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई एट सिस्टर्स, अब प्रिंसेस सितंबर कहती हैं कि मैं तुम्हें अपनी जो आठ बहनें हैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ, सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. अब उसने क्या किया, प्रिंसेस ने अपने राइट हैंड की पहली उंगली को आगे किया ताकि जो छोटा पक्षी है उसे बैठने के लिए जगह मिल जाए, उस पर बैठ जाए, और छोटा पक्षी जो है वो उड़कर नीचे आया और उस उंगली पर बैठ गया। देन फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस, प्लेस नहीं है ये, पैलेस, पैलेस मतलब महल, एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस। तब राजकुमारी महल के बीच में से चलकर उसकी सेविकाएं जो थी मेड्स थी उसके पीछे चल रही थी और हर राजकुमारी के पास वो जाती है, ईच ऑफ द प्रिंसेस मतलब प्रत्येक राजकुमारी के पास, अपनी बहनों के पास। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटल बर्ड सेंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और हर राजकुमारी के लिए पक्षी ने अलग अलग गीत गाया। जिस भी बहन के पास गई उसे लेकर तो पक्षी ने हर बहन के लिए अलग गीत गाया। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, लेकिन जो बहनों के पैरट्स थे तोते थे वो सिर्फ यही लाइन बोलते थे, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे, और प्रिटी पोली सुंदर पोली। एट लास्ट शी शोड द लिटल बर्ड टू द किंग एंड क्वीन, और अंत में उसने महाराज और महारानी को, राजा और रानी को अपने पक्षी, अपना छोटा पक्षी दिखाया। देवर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो भी हैरान हुए और खुश भी हुए।
आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सैड द क्वीन। अब क्वीन कहती हैं, मैं जानती थी कि मैं सही थी कि तुम्हें बिना खाना दिए ही बिस्तर पर भेजने का जो मेरा फैसला था वो सही था, मैं ये बात जानती थी। रानी ने कहा, दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरेट, ये जो पक्षी है वो पैरेट्स से ज़्यादा अच्छा गाता है उनकी तुलना में। सैड द किंग, किंग ने कहा, राजा ने कही ये बात। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सैड द क्वीन। अब रानी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो लड़कियां अपने तोतों को यही बात कहना क्यों सिखाती हैं कि गॉड सेव द किंग। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरेट टू से इट टू। और मैं नहीं सोचती कि वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरेट टू से इट टू, कि यही सब क्यों सिखाती है, ये वर्ड जो बोला गया था, बोले गए थे। द सेंटिमेंट इज एडमिरेबल, सैड द किंग। एडमिरेबल होता है तारीफ करने लायक, प्रशंसनीय, और सेंटीमेंट होता है भावनाएं। कहता है भाव बहुत ही तारीफ के काबिल है, प्रशंसनीय है, राजा ने कहा। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मुझे बुरा नहीं लगता, नेवर माइंड, मैं बुरा नहीं मानता, मैं इसे जितनी बार भी सुनूं। ये बात किस चीज़ के लिए गई है, द सेंटिमेंट इज एडमिरेबल, कि जो दूसरी राजकुमारियाँ थी उन्होंने अपने तोते को सिखाया था गॉड सेव द किंग, कि भगवान जो हैं वो राजा की रक्षा करें। तो उसी बात को रिप्लाई करते हुए कि जब रानी ने कहा कि पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि राजकुमारियों ने, लड़कियों ने यही शब्द क्यों सिखाए हैं राजा को और बार बार सुनकर बोर हो जाते हैं, लेकिन राजा ने कहा कि मुझे ये बुरा नहीं लगता, जितनी बार भी मैं उसे सुनूं मुझे ये अच्छा ही लगता है। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरेट्स से प्रिटी पोली। लेकिन जो रानी है वो कहती हैं, क्या कहती हैं, कि मुझे समझ नहीं आता कि लड़के अपने तोतों को तो यही बात क्यों सिखाना चाहती हैं, सिखाती हैं, क्यों सिखाती हैं यही वर्ड। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेज। राजकुमारियों ने कहा कि वे इसे 7 अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, ये वर्ड जो हैं सेम, वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो कहते हैं तोते। आई डेयर से दे डू, और मैं भी अवश्य कहता हूँ कि वे ऐसा करते हैं, सैड द किंग, राजा ने कहा। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच माई काउंसलर्स, लेकिन ये तो मुझे मेरे काउंसलर से, सलाहकारों की याद दिलाता है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो भी यही चीज़ें 7 बार अलग अलग तरीक़ों से कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे सेड, और उसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। इट नेवर मीन्स मतलब उसका कभी भी कोई मतलब नहीं होता है, इन एनी वे दे सेड, कि जब भी वो ये बात कहते हैं इन पैरट्स की तरह कि गॉड सेव द किंग, तो कहते हैं इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। द प्रिंसेसेस वर वैक्स्ड एट दिस एंड द पैरेट्स लुकड वेरी ग्लम इंडिड। कहता है इस बात से राजकुमारियाँ जो हैं वो थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं, वैक्स्ड हो जाती हैं, और तोते भी जो हैं वो उदास हो जाते हैं, ग्लम मतलब उदास होना। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक ए लार्क, वाइल द लिटल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल। नाइटिंगेल क्या होता है? कोयल को बोलते हैं, जिसकी मीठी आवाज होती है।
लेकिन कहते हैं कि प्रिंसेस सितंबर जो हैं वो महल के सारे कमरों में दौड़ती गई और एक लार्क पक्षी की तरह गा रही थी, और जबकि जो छोटा पक्षी है वो एक नाइटेंगल की तरह, कोयल की तरह गाते हुए गोल गोल घूमते हुए उड़ रहा था। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द एट प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। ये तो कई दिनों तक इसी तरह से चलता रहा, और तब जो एट प्रिंसेस थी, आठों राजकुमारियों से ने मिलकर सोचा, पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब है एक साथ सोचना। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर। माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सैड। अब वो मिस्टर जो बाकी की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो सितंबर के पास गई और उसके चारों ओर सर्कल बनाकर बैठ गई और कहा, मेरी बेचारी सितंबर, दे सैड। उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट, कि हमें तुम्हारे सुंदर तोते की मृत्यु पर खेद है, दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव। तो इसलिए हम तुम्हारे पास हमारी तरह एक पालतू पक्षी न होने की वजह से ये बहुत ही ड्रेडफुल बात है, मतलब बहुत ही दर्दनाक बात है कि तुम्हारे पास हमारी तरह कोई पक्षी नहीं है, पालतू पक्षी नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन येलो पैरेट। इसलिए हमने क्या किया है, अपनी जो पॉकेट मनी है, जेब खर्च है, वो इकट्ठा किया है पैसे, और हम तुम्हारे लिए एक हरा और पीले रंग के तोते को खरीदने जा रहे हैं। वेल माई डियर, दे सैड। ठीक है प्रिय, उन्होंने कहा, इट एब्जर्व टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। कहते, तुम्हारे छोटे से पक्षी के बारे में बात करना तो बेकार है जो अपनी मर्जी से अंदर बाहर उड़ता रहता है। एब्जर्ड मतलब, एब्जर्ड का मतलब होता है बेकार। दे लुकड राउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज। उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा और अपनी भौहों को चढ़ाकर देखा। आईब्रोज मतलब त्योरियां चढ़ाना, अपनी त्योरियां जो है उन्होंने चढ़ा ली और कमरे में घूमकर देखा उन्होंने। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सैड। कहते हैं कि क्या तुम्हें हमें ये बताने का कष्ट करोगी कि अब तुम्हारा पक्षी कहाँ है, दे सैड उन्होंने कहा। ही हैज़ गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सैड प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने आंसर किया कि वो अपने ससुर से मिलने गया है, फादर इन लॉ मतलब ससुर। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड प्रिंसेस। और प्रिंसेसेस ने पूछा, राजकुमारियों ने पूछा कि और क्या तुम सोचती हो कि वो वापस आएगा, एक बार जाने के बाद क्या वो वापस आएगा, तुम ऐसा सोचती हो। ही ऑलवेज डज कम बैक, सैड सितंबर। सितंबर ने कहा कि वो हमेशा वापस आता है। वेल माई डियर, सैड द एट प्रिंसेसेस। अच्छा मेरी प्रिय, आठों राजकुमारियों ने कहा, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। कहते अब वो कहती है कि तुम हमारी सलाह मानोगी तो तुम्हें कभी भी इस प्रकार का जो रिस्क है, जोखिम जो है, वो कभी नहीं उठाना पड़ेगा। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आता है, एंड माइंड यू इफ ही डज यू विल बी लकी, पॉप हिम इन टू द केज एंड कीप हिम देयर। तो ये अगर वो ऐसा करता है कि वो वापस आ जाता है, तो याद रखना कि यदि तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो उसे पिंजरे में डाल देना और उसे पिंजरे में ही रखना। पॉप हिम इन टू द केज मतलब कि पिंजरे में डाल देना, और कीप हिम देयर मतलब उसे वहीं रखना पिंजरे में। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। और अगर तुम उसे पिंजरे में रखती हो तो यही एक रास्ता है जिससे तुम निश्चित रूप से अपने पास उसे रख सकती हो, कि तुम श्योर हो जाओगी
निश्चित हो जाओगी कि वो अब तुम्हारे पास ही रहेगा अगर तुम उसे पिंजरे में बंद कर कर रखती हो, कहीं और उड़कर वो नहीं जा सकेगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सैड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या कहती है कि लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो कमरे में इधर उधर उड़े। सेफ्टली, सेफ्टी फर्स्ट, सैड हर सिस्टर्स ओमिनसली। ओमिनसली होता है अपशकुन। अपशकुन के भाव से उन्होंने कहा कि सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले आती है। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। वो उठ जाती हैं और अपने सिर हिलाती हुई कमरे से बाहर आ जाती हैं, और सितंबर जो है वो एक अनईजी, अनईजी मतलब परेशानी की अवस्था में सितंबर को छोड़ जाती हैं। अब सितंबर को क्या है, टेंशन हो रही है कि जो उन्होंने सलाह दी है कि सिंगिंग बर्ड को, सिंगिंग लिटिल बर्ड को पिंजरे में रखे जिससे वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, तो वो कंफ्यूज है कि क्या उसे अपनी सिस्टर्स की बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। वो हम सेकंड जो पार्ट है उसमें रीड करेंगे। आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को आप बच्चों अच्छे से देखो और बहुत ध्यान से देखो ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।